नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पांडे जी टेक्निकल के एक नए फ्रेश वीडियो में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत कमाल के एजुकेशनल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस के पीएच मान के फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, जो हर बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि पहला फार्मूला है कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दूसरा फार्मूला है कि पीओएच यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में पीओएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू ओएच आयन कंसंट्रेशन बराबर 10^-14। तो इन चारों फार्मूले को हम याद रखेंगे तो पीएच वैल्यू की जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमें सॉल्व हो जाएंगी इसी फार्मूले के आधार पर। तो चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विलयन की मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10^-1 है, इसका पीएच मान होगा। तो इसको ट्रिक की सहायता से हम सॉल्व करेंगे तो केवल ये ध्यान रखेंगे कि ये 10^-1 में जितना होगा वो प्लस में हम कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन रहेगा तब पीएच मान उसका जो माइनस में रहेगा उसको प्लस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा तो वैसा ट्रिक हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो और इसको फॉर्मूले के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली वे में दोस्तों हम सिर्फ ऐसा ही करते हैं कि फॉर्मूला रख देते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू कितनी है, 10^-1, ठीक है। तो पीएच ये हो गया, ठीक है, पीएच बराबर। अब ये क्या होता है कि 10^-1 में जितना होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस वन और लॉग टेन, और लॉग टेन की वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटू 1^1। पीएच मान कितना आ गया हमारा 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी। तो इसके लिए भी फार्मूला वही लगेगा कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमको केवल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो हो जाएगा 1×10^-pH हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, और पीएच का मान हम रख देंगे यहाँ पे 10^-pH का मान 4 है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, 1×10^-4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तब पीओएच मान होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीएच मान 5 दे दिया है प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीओएच वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14-5=9, ये 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10^-11 मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन का पीओएच निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पीओएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, और दिया है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का मान 10^-11, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और ब्रैकेट में -11 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का मान 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 11 हो जाएगा पीओएच का मान। और हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है, और पीओएच का मान 11 आ गया, तो पीएच बराबर पीएच प्लस 11=14, तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा, 14-11=3, तो पीएच मान 3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पीएच वैल्यू के जितने सवाल हैं उसको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।